अब देखिए दोस्तों, ये शर्ट पूरा बनकर रेडी हो गया है। और दोस्तों देखिए कितना गजब से इसका फिटिंग है। दोस्तों इसका सिर्फ आप फिटिंग देखिए, कितना गजब से बैठा हुआ है। दोस्तों ये डमी है, ये एक पुतला है, तो इसमें दोस्तों उतना प्रोबर्स नहीं है, लेकिन जब आप इसको बॉडी पर पहनोगे ना, तो इसका फिटिंग इतना गजब आएगा कि आप कभी इसको निकालोगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। पहले आप वो चीज़ नोटिस कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लेडीज शर्ट का स्टिचिंग सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका कटिंग सिखाया। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो जो हमने कटिंग शर्ट किया था, उसी का स्टिचिंग सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप उस शर्ट का स्टिचिंग सिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दोस्तों कोई भी शर्ट स्टिचिंग करने से पहले उसमें पेस्टिंग किया जाता है। उसमें कॉलर जो होता है, उस कॉलर और कफ, हमारे जो आगे का बटन पट्टी होता है, वो सब चिपकाना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें एक प्रेस की जरूरत पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए वो चिपकाना कैसे है, पहले आप वो समझ लीजिए। अब दोस्तों देखिए ये हमारा फ्रंट है, इसको हम सबसे पहले इसे खोल लेंगे, देखें, और इस पर ऐसे कच्चा पहले थोड़ा सा प्रेस मार देंगे, ताकि थोड़ा जो उभरा रहे वो सब बैठ जाए। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इस प्रकार से पेस्टिंग वाला बकरम लेना है। दोस्तों जो हमने ये मार्क किया है, इसी के दोस्तों हमें अंदर चिपकाना है। देखें कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने यहां पर रखा। और दोस्तों देखें, और यहां पर जो हमने चटका लगाया था, देखें आप देख पा रहे होंगे, उस चटके के अंदर ऐसे हमें इसको रखना है। देखें अब दोस्तों यहां पर ऐसे कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों देखें, अब हम इस पर इसे प्रेस लेकर इसको चिपका लेंगे। दोस्तों कभी भी आप इसमें नॉर्मल बकरम ना यूज करें, इसमें हमेशा पेस्टिंग वाला बकरम ही यूज किया जाता है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब देखें, अब दोस्तों देखें इसको ऐसे करना है। और ऐसे इसको होल्ड करके इस पर एक प्रेस लगा लेना है। अब दोस्तों देखें कुछ हमें इस प्रकार से, जितना हमारा बकरम है उसके बराबर हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। और देखो हमारा बकरम दिखे ना, ऐसा हमें करना है। दोस्तों फिर से हमें इस पर इसे प्रेस मार लगा देना है। अब दोस्तों देखिए, अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब दोस्तों हमारा ये दूसरा वाला बचता है, अब इसको ऐसे करेंगे और इसको उस तरफ लेके जाएंगे, अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। दोस्तों जो हमने 2 इंच का जगह, जो हमने 2 इंच का कपड़ा छोड़ा है, उसी को हमें फोल्ड करना है। अब देखें दोस्तों ये हमारा दूसरा वाला भी पेस्टिंग हो गया है, और कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी होता है। देखें अब दोस्तों देखिए, ये हमने जो शोल्डर के लिए कपड़ा निकाला था, हमने शोल्डर कटिंग किया था। अब दोस्तों इसको ऐसे आधा इंच फोल्ड करना है और इस पर प्रेस लगा देना है। प्रेस दोस्तों अच्छे से लगाएं, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। देखें अब दोस्तों इसको भी रखना है साइड में। अब दोस्तों हमें कटिंग करना है अपना कफ। दोस्तों कफ हमने ये देखिए, ये 2.5 इंच का चौड़ा लिया है, देखें ये दोस्तों 2.5 इंच का चौड़ा है। और दोस्तों हमें कफ का जो लंबाई रखना है वो 8 इंच का रखना है, जैसा कि हमने 8 इंच का उसमें कपड़ा छोड़ा था। दोस्तों 8 इंच का हमें इसे इस पर फोल्ड कर देंगे। दोस्तों ये पेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप कफ
कफ वाला नहीं बनाना चाहती हैं तो आपको ये कफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वैसे भी नॉर्मल जैसे हम सूट का या अदर कोई स्लीव हम जो फोल्ड करते हैं आगे की तरफ, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये परफेक्ट तरीका है। अब दोस्तों देखें, हमें यहाँ से थोड़ा सा इसको उड़ाना है। देखो इसको इसे बराबर रखेंगे और फिर से इसको कटिंग कर देंगे और इस प्रकार से देखें ये हमारा दोनों कप कटकर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों देखिए ये हमारा कॉलर है दोस्तों, ये रेडीमेड कॉलर है। आप दोस्तों अपने आसपास के लोकल दुकान से इसको बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, 5-7 रुपये में मिल जाता है। अब दोस्तों इसको हमें पेस्ट करना है। और दोस्तों इसको ऐसे बरोबर से पहले प्रेस कर लें ताकि इसका सलोटे जो है वो खत्म हो जाए। अब दोस्तों इसको ऐसे रखना है नॉर्मल सा और इस पर ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस जब आप लगाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाता है इसमें। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर चढ़ा है वैसे एक दूसरा वाला उस तरफ चढ़ाएंगे, इस तरफ। अब दोस्तों ये हमारा दोनों चिपक कर फिट हो गया है। अब दोस्तों देखिए जो हमने आधा इंच कपड़ा इधर छोड़ा है, अब इसको हमें इसे फोल्ड करना है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला भी फोल्ड करना है। अब दोस्तों देखें हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे बराबर से करकर इस पर प्रेस लगा लेना है ऐसे। अब दोस्तों आधा इंच कपड़ा छोड़कर हमें कटिंग कर देना है। देखें दोस्तों ठीक ऐसा ही हम दूसरा कप भी बना लेंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें हम चिपकाएंगे अपना कॉलर। दोस्तों कॉलर चिपकाना बहुत आसान है। आप दोस्तों इसको ऐसे रखें और इस पर हल्के से प्रेस लगा दें, यह भी इसमें चिपक जाएगा। दोस्तों ठीक है, आधा इंच का गैपिंग छोड़कर आप दूसरा वाला भी इसके पास में ही चिपका दें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें छोटे छोटे चटके लगा लेना है। दोस्तों ये हमें कट वहां तक लगाना है जहां तक हमारा बुकरम है। अब दोस्तों इसको ऐसे फोल्ड करके एक तरफ से हम फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ये लेडीज शर्ट है, तो लेडीज शर्ट में पॉकेट नहीं लगता है, तो हम पॉकेट नहीं तोड़ेंगे। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मशीन पर इसका स्टिचिंग सिखाता हूँ। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग सिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो हमारा ये बुकरम वाला पट्टी है इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो दोस्तों इस पर कैसे सिलाई लगाना है, दोस्तों देखिए हमें इसके किनारे पर सिलाई लगाना है। और दोस्तों एक सिलाई हम इस तरफ से लगाएंगे, इसके इधर किनारे पर लगाना है और एक सिलाई इस किनारे पर लगाना है। दोस्तों मैं इसमें जो धागा यूज कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर है, इसे दोस्तों ये बराबर आप लोगों को दिखे इसलिए मैं ये धागा यूज कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है। अब देखिए दोस्तों हमने एक सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों एक सिलाई हमें इस किनारे पर लगाना है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें इसके दूसरे पार्ट में लगाना है सिलाई। देखें दोस्तों इसको आप इस तरफ से लगा सकते हैं। अब यहां पर हमें किनारे पर एकदम सिलाई लगाना है। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही तरफ सिलाई लगाया जाता है, दूसरी तरफ नहीं लगाया जाता है। दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर प्लेट डालना है। दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए पॉइंट बनाया है। अब दोस्तों इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और डार्क कर दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब दोस्तों देखिए जब हम सेंटर में पहुंचेंगे तो हमें यहाँ पर आधा इंच लेना है, बाकी यहाँ पर हमें इसे बारीक कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखें
दोस्तों इसी प्रकार से हमें इसके दूसरे पार्ट में भी प्लेट का सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों ऐसा ही प्लेट हमें इसके बैक साइड में डालना है। अब देखिए दोस्तों हमने बैक में भी प्लेटें डाल लिया। अब दोस्तों हमें करना है इस पर अच्छे से प्रेस। और दोस्तों उससे पहले हमें यहाँ पर देखें अपना जो शोल्डर है वो उसको बैठाना है। तो दोस्तों हम ये शोल्डर अपना उठाएंगे और गले की तरफ से हम बराबर रख कर ऐसे दोस्तों एकदम लप पर एक सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों हमें बनाना है इसके बाजू का ये जो चाप है ये जो कि ऐसा दोस्तों देखें यहाँ पर बना हुआ है ये वाला चाप पट्टी, इसी प्रकार से हमें भी इसमें बनाना है। अब दोस्तों देखिए ये हमने 7 इंच का एक कपड़ा लिया और दोस्तों इसका चौड़ाई का बात करूँ मैं तो ये दोस्तों 3.25 इंच का चौड़ा है। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर एक कट लगाया है। दोस्तों ये हमने 2 इंच पर कट लगाकर दोस्तों हल्का सा इसका कोना काट दिया है। अब दोस्तों हमें ऐसे एक पार्ट को इसका उठाना है एक बाजू को और दोस्तों यहाँ पर पहले ऐसे बारीक कर ऐसे करके हमें इसके किनारे पर एकदम सिलाई लगाना है। मैं लगा कर दिखाता हूँ। और दोस्तों देखें इसको हमें उठाना है और यहाँ पर रखकर ऐसी देखें दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से स्टिच कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक कट लगाना है ऐसे। दोस्तों इसको बनाते समय एक चीज का आप ध्यान रखें मैं अभी बता दूं। दोस्तों आप कभी भी इसको बनाएं तो एक बाजू सिंगल कभी भी मत बनाएं, दोस्तों दोनों बाजू एक साथ बनाएं। इससे क्या होगा दोस्तों कभी भी आपका उल्टा नहीं बनेगा। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि अगर कपड़े एक ही कलर का होता है तो दोनों बाजू एक ही तरह बन जाता है। अब दोस्तों देखें हमें ठीक उसके सामने ही एक और रखना है ये वाला अपना। और दोस्तों हमें यहाँ से स्टिच करना है और यहाँ से लाकर यहाँ पर उतार देना है जैसे कि हमने इसमें किया है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया हम इसमें करेंगे लेकिन दोस्तों तुरंत ही जस्ट जैसे आप इसको उतारे मशीन से उसके बाद ही ये बनाए। बाद में ये फोल्ड करने वाला प्रक्रिया बाद में करो चलेगा। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर एक चटका लगाया है। अब दोस्तों इसको ऐसे नाखून से प्रेस कर लेंगे और दोस्तों इसको देखिए ऐसे इस तरफ करें और ऐसे ही हमारा निकल जाएगा। अब दोस्तों देखें इसको ऐसे एक बार फोल्ड करना है फिर इसे दोबारा से इस पर फोल्ड कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ से सिलाई करते हुए लाना है और दोस्तों जहां देखें जहां से हमारा यहाँ पर कट है दोस्तों उससे 1/2 इंच पहले ही हमें यहाँ से इसे बांध देना है इसको। देखिए दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से इसको बनाना है। दोस्तों सेम टू सेम इसी प्रकार से हमें इसका दूसरा अलग भी बना लेना है। अब दोस्तों देखिए ये दोनों चाप पट्टी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें करना है इसके किनारे पर काम। दोस्तों देखिए हमने इसको सीधा ही रखा है और यहाँ पर दोस्तों हमें इसे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर देना है। दोस्तों इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा देना है। देखें तो इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों देखें हमें दूसरा काम करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए हमें इसको ऐसे जो हमारा बैक पल्ला है इसको जो हमारा जो मेन वाले का है इसको ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे इसको ऐसे। ठीक है दोस्तों हमने इसको पीछे कर दिया। अब दोस्तों देखें हमें इसको
ऐसे रखना है कुछ इस प्रकार से, और दोस्तों इसको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे रखकर, और दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर हमें सिलाई कर देना है। देखें दोस्तों, अब दोस्तों इसको, इस कपड़े को ऐसे खींचना है, और देखिए दोस्तों ये जो हमारा रूसा वाला है ये इसके अंदर हो गया, यहाँ पर ऐसे नाखून लगा देना है। और दोस्तों वैसे ही हमें दूसरा वाला भी बनाना है, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ। देखिए दोस्तों हमने इसको ऐसे पीछे रखा और ऊपर वाले को ऊपर रखा, और दोस्तों देखिए हमने इसको ऐसे उल्टा रखा है अपना जो फ्रंट वाला है, तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर दोस्तों हम बराबर रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हमें ये पीछे से लाना है और इसको भी बराबर करके देखें दोस्तों, आधा इंच का दाब लेकर हम यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। अब दोस्तों इसको भी ऐसे खींचना है। अब दोस्तों देखें, अब हमें इसको ऐसे बराबर रखना है दोस्तों, हमें किनारे किनारे से एक सिलाई लगाना है दोस्तों, हमें एकदम लब पर एक सिलाई लगाना है, जो हमारा शोल्डर है शोल्डर पर सिलाई चले। देखिए दोस्तों हमने कितने अच्छे से इसमें बना लगा दिया है सिलाई, देखिए अब दोस्तों हमें यहाँ पर फिट करना है अपना बाजू। दोस्तों देखें हमें कभी भी बाजू फिट करना है तो हमें ये चीज़ देखना पड़ता है दोस्तों, ये जो हमारा है अगर देखें उस तरफ आ रहा है दोस्तों, हमारा ये बैक बैक से जॉइंट होगा। तो दोस्तों बैक का जॉइंट मतलब ऐसे देखें, हम बैक पल्ला पहले उस तरफ रखेंगे। अब दोस्तों देखिए हमें ऐसे बैक अपना रखना है दोस्तों, इसे बराबर करके, और दोस्तों हमारा जो बाजू वाला है उसको थोड़ा सा हम बड़ा करके रखेंगे एकदम बराबर, ये वाला कपड़ा और ये वाला एकदम बराबर नहीं रखेंगे, थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा हमें दो सूत अंदर की तरफ रखना है, और दोस्तों हमें आधा इंच का दाब लेकर सिलाई कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर छोटे छोटे चटके लगा देना है ऐसे, ध्यान नहीं हमें सिलाई काटना नहीं है। अब दोस्तों देखें इसको ऐसे करना है, और यहाँ पर दोस्तों आधा इंच दाब लेकर हम सिलाई करेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसमें अच्छे से सिलाई लगा लिया है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें हमें अपना दूसरा बाजू भी बनाना है, बस ध्यान नहीं ये हमने बैक से जोड़ा था तो उसको हम फ्रंट से जोड़ेंगे। तो दोस्तों फ्रंट से कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसके वाला हमारी तरफ आ रहा है तो हम इसको सामने से जोड़ेंगे। अभी दोस्तों आप लोगों को सुनने में अटपट लग रहा होगा सामना और बैक, लेकिन आप जब एक दो बार बनाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्रंट से और बैक से जोड़ने में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों देखिए हमने दोनों बाजू अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है, अब दोस्तों हमें करना है इसका फिटिंग। दोस्तों देखें सबसे पहले हमें इसको ऐसे बराबर से करना है, और दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर हमें साइड से सिलाई लगा देना है।
दोस्तों देखिए, हमने आधा इंच किताब लेकर पूरे में सिलाई लगा दी है। और दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है। आधी से दूरी पर हमें यहाँ पर डबल सिलाई कर देना है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, यहाँ पर फटता जल्दी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी दूर तक। अब दोस्तों हमें साइड में लगा देना है ओवरलॉक। अब दोस्तों देखिए, हमने ओवरलॉक लगा लिया है दोनों तरफ। अब दोस्तों हमें ये साइड वाले जो रूसा हमारे निकल रहा है उसको बंद करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे एकदम पतला सा, आप जितना पतला सिल पाए आप उतना पतला एकदम किनारे पर सिलाई लगाएं। अब दोस्तों देखिए, हमने एक बार सिलाई लगा दिया है। अब हमें एक बार और ऐसे फोल्ड करके, आपके दोस्तों इस बार हमें एकदम किनारे पर नहीं सिलाई लगाना है दोस्तों, इस किनारे पर लगाना है, इस किनारे पर नहीं, इस किनारे पर। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा पूरी पूरे में सिलाई हो गया है। अब दोस्तों हमें लगाना है इस पर कफ। अब दोस्तों ये हमारे एक कफ है, हमें इस पर एक बूट का सिलाई लगाना है। अब दोस्तों देखिए, जहां से हमारा कफ है हमें वहां पर एक मार्क लगाना है ऐसे, इस प्रकार से, और उसी प्रकार से इस तरफ भी मार्क करना है। आप चाहें तो ये वाला भी मार्क सीधा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा मार्क लग गया है, तो इसी प्रकार से हमें इसके दूसरे वाले में भी मार्क लगा लेना है। और जहां पर हमने ये देखिए, ये जो हमने मार्क लगाया है दोस्तों, यहीं पर ऐसे हमें इसको बराबर से एकदम रखना है ऐसे, और आधा इंच किताब लेकर हमें पूरे में सिलाई करना है। देखें, हमने यहाँ पर एकदम जो हमारा हमने निशान लगाया था, हमने यहाँ पर निशान पर ही बराबर किया है दोस्तों। हमारा जो कपड़ा बच रहा था हमने इस यहाँ पर चिपटी लगा दिया है। और दोस्तों ने बकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। अब दोस्तों देखें, इसको ऐसे अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसके एडनलब पर एक सिलाई लगाना है दोस्तों। वो सिलाई हम ऐसे करके यहाँ तक लाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ से हम वापस लेंगे, फिर इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे इस तरफ से ऐसे यहाँ पर उतार लेंगे। और दोस्तों देखें, ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा कप भी लगा लेना है। चलिए दूसरा कप भी लगा लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने दोनों कप अच्छे से लगा लिया। अब दोस्तों हमारा सिर्फ एक काम बाकी है, हमें कॉलर लगाना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कॉलर बना लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। दोस्तों कॉलर बनाने के लिए देखें, सबसे पहले हमने जो ये फोल्ड किया, हमें इस पर एक बूट का सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों हमें ये मेन कॉलर उठाना है दोस्तों, इस प्रकार से एक कपड़ा लेना है और इसको इस पर ऐसे रखना है। देखें दोस्तों, एकदम बकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। ध्यान दें, बकरम पर मशीन नहीं चलना चाहिए, सुई के नोक के बराबर हमें जगह छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना है। उसके बाद किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है। अब दोस्तों हमें थोड़ा कपड़ा छोड़कर कटिंग कर देना है। अब दोस्तों देखें, इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको ऐसे इसका पलट देना है। सेम वही प्रक्रिया इस तरफ भी करना है।
दोस्तों इसको बराबर से करना है, हमें एक बूट का सब तरफ से सिला लगा देना है। अब दोस्तों देखिए हमें एक तरफ से इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काटकर निकाल देना है। दोस्तों इसको से बराबर करना है, यहाँ पर हमें एक चटका लगा देना है ऐसे। दोस्तों देखिए हमें एक कपड़ा और लेना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इस कपड़े को नीचे रखना है और इसको इसके ऊपर रखना है, और दोस्तों उसके ऊपर हमें ई वाला रखना है। दोस्तों देखिए जो हमारे बकरम का किनारी है इसी किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगाना है। दोस्तों बराबर से हमें करते जाना, सिलाई लगाते जाना है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ में सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट कर निकाल देना है। अब दोस्तों देखें कुछ इस प्रकार से ये बनकर रेडी होगा। हमें इसे उल्टा करके यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लेना है। अब देखें दोस्तों इसको कपड़े को ऐसे टाइट रखना है और यहाँ पर जहाँ पर से हमारा बकरम है वहां से हमें मार्क लगाना है ऐसे। अब दोस्तों हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर देखें से कटिंग कर देना है। अब दोस्तों इसको ऐसे हमें बराबर करना है देखें, और यहाँ पर एक चटका लगा देना है ऐसे ऐसे। अपने शर्ट को उठाना है और दोस्तों यहाँ से हमें इसे बराबर करके देखें, एकदम बराबर करना है नीचे की तरफ, और इसे बराबर करते जाना है एकदम बराबर से रखते रहें इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर हमें यहां से और यहां तक थोड़ी दूर तक हमें कच्ची सिलाई लगा देना 5 नंबर करके। अब दोस्तों हमें कॉलर अपना उठाना है तो इसको से बराबर से रखना। अब दोस्तों ये जो चटका है और ये हमारा निशान है, इस बीच की दूरी को हमें इसमें फिट करना है, तो इसको ऐसे बराबर से रखें। और यहाँ पर देखें हमारा कहाँ तक आ रहा है, दोस्तों यहाँ तक हमारा आ रहा है तो वहां पर हम एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों देखें हमें उसके सिर्फ 1 इंच के ऊपर से हमें कटिंग करना है। कटिंग कैसे करना है देखें, हमें कुछ दोस्तों इस प्रकार से ऐसे कटिंग करना है गोलाई में इस प्रकार से देखें। दोस्तों एक बार फिर ऐसे करके एक बार नाप लीजिए इसे टाइट करके। देखें दोस्तों ये हमारा बराबर आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है तो उसको वो भी बराबर आएगा। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा कम आ रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा और काट देंगे। अब दोस्तों हमें इसको फिट करना है। देखिए दोस्तों हमें शर्ट को ऐसे सीधा रखना है और कॉलर को इस प्रकार से रखना है। दोस्तों जो हमने ये मार्क लगाया है इसको ऐसे इसके बराबर में लाना है। दोस्तों हमें यहाँ तक पहले थोड़ा दूरी तक सिलाई कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ से ऐसे बराबर करना है इस प्रकार से। और दोस्तों बराबर करते हुए हमें ये जो हमारा हमने मार्क लगाया है इस पर हमें सिलाई करते जाना है। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे चटके लगा लेना है 2-3 जगह पर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर से नाखून लगा लें दोस्तों, इसको इस प्रकार से करना है। और जो हमारा बकरम वाला है हमें उसके किनारे से एकदम सिला लगाना है। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ कर काट देना है।
दोस्तों इसको ऐसे पलटना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे पलट देना है। और ठीक दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी करना है, इसको बराबर से रखें। अब दोस्तों देखें हमें इसे बराबर करना है जिस प्रकार से। दोस्तों हमें यहां से सिलाई स्टार्ट करना है, इसी प्रकार से हमें इधर किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे और यहां पर लाकर फिर मशीन रोक देंगे। तो हमें यहाँ पर एक बोर्ड का सिला लगा देना है। दोस्तों देखें ये शर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, देखें। अब दोस्तों हमें सिर्फ लगाना है इस पर बटन। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये शर्ट पूरा बनकर रेडी हो गया है, और दोस्तों देखिए कितना गजब से इसका फिटिंग है। दोस्तों इसका सिर्फ आप फिटिंग देखिए कितना गजब से बैठा हुआ है। दोस्तों ये डमी है, ये एक पुतला है, तो इसमें दोस्तों उतना बरोबर नहीं है, लेकिन जब आप इसको बॉडी पर पहनोगे ना तो इसका फिटिंग इतना गजब आएगा कि आप कभी इसको निकालोगे नहीं। जी हाँ दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, पहले आप वो चीज़ नोटिस कीजिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।